मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका समास के अंतर्गत अभ्यास प्रश्न में स्वागत है। इसके पहले मैं चर्चा किया था प्रश्न नंबर 1, 2, 3, ठीक है। आज प्रश्न नंबर 4 पे हम चर्चा करेंगे। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरिए। आज वह एक पुस्तक में दे दिया है, ठीक है, उसका विग्रह दे दिया है, उस समस्त पद को इसमें से चुनना होगा, ठीक है। आज वह घोड़ों की दौड़ को हम एक शब्द में क्या कहेंगे? घुड़दौड़ कहेंगे। क्या कहेंगे? घुड़दौड़। इसलिए इसमें घुड़दौड़ फिर किया जाएगा, राइट। दूसरा है समय के अनुसार, ये जो विग्रह दिया है समय के अनुसार, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे? यथा समय। यथा समय चलोगे तभी सफल हो पाओगे। देखिए, समास का आपके जिंदगी में कितना रोल है वो आप खुद समझ सकते हैं। समासिक शब्दों का इस्तेमाल जब आप बोलने में करते हैं तो आपकी भाषा एक प्रौढ़तम रूप को प्राप्त करती है और सामने वाला प्रभावित होता है। इफेक्टिव लैंग्वेज जिसे बोलते हैं, इसमें क्या फील करेंगे? यथा समय। मैंने आंखों के सामने विग्रह इसका होगा प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट बोलते हैं। मैंने प्रत्यक्ष वह भयानक दृश्य देखा, राइट। गणेश और छह मुख वाले, छह मुख किसका? कार्तिकेय का, एक गणेश के भाई थे। गणेश और कार्तिकेय ने पार्वती को नमन किया, नमन प्रणाम किया। ऐसे जिन्हें जीता न जा सके उनको क्या कहेंगे एक शब्द में? अजेय। ऐसे अजेय पर्वतों पर भी मनुष्य ने विजय पा ली है, ठीक है। अब अगला है पांचवा, दिए गए विकल्पों में से उनकी समस्त पदों के विग्रह और समास के नाम का सही विकल्प रेखांकित कीजिए। समस्त पद, ये समस्त पद दे दिया गया है और नीचे चार ऑप्शन में आपका विग्रह दिया है और समास भी दिया है। विग्रह भी दिया, समस्त तो युद्ध क्षेत्र समस्त पद दे दिया। अब ऑप्शन आपका परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन आपका इसका विग्रह देगा और इसमें कौन सा समास होगा यह देगा, आपको चुनना है, ठीक है। तो युद्ध का क्षेत्र, इसमें तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष समास, युद्ध का क्षेत्र, बाकी ये सब गलत है, राइट। फिर है राधा कृष्ण, तो क्या हो जाएगा? दोनों पद क्या है? प्रधान है, तो राधा और कृष्ण कौन सा समास? समास। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, इसके मेघनाथ की स्त्री थी, एक विशेष स्त्री का नाम है, मेघनाथ की स्त्री का नाम था सुलोचना, जिसके लोचन बहुत ही सुंदर थे, इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास होगा। प्रतिदिन पहला शब्द क्या है? अव्यय है, प्रति का हो जाएगा डेली अर्थात दिन, दिन अव्यय भाव समास। आसमुद्र, आमाने तक समुद्र, पर्यंत समुद्र तक अव्यय भाव समास, पहला पद क्या है? अव्यय। लंकित विग्रहों के समस्त पद और समासों के नाम के सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। विग्रहों, ये विग्रह दे दिया है, ठीक है, विग्रह दे दिया है और आपको क्या करना है? इसका समस्त पद बनाना है, समस्त पद आपको इसमें से छांटना है और उस समस्त पद के सामने नाम भी दिया है कौन सा समास होगा। अन्न और जल, इसका क्या हो जाएगा? अन्न जल हो जाएगा, इसमें कौन सा समास? द्वंद्व समास। पांच आबों का समूह, पंजाब को कहा जाता है पंजाब, जिसमें द्विगु समास होगा। राम का उपाकस, राम का उपासक, इसको कहेंगे एक शब्द में राम उपासक, राम की उपासना करने वाला तत्पुरुष। तीन फलों का समूह, तीन फलों त्रिफला द्विगु समास। मन से गा, मनगढ़ंत तत्पुरुष समास। अब आप क्वेश्चन नंबर 7-8 आप खुद समझ करके इसको पढ़ेंगे, लगाएंगे, कल फिर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।